गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल नवोदय विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो इतनी देर से मैम का वेट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर सभी को जय हिंद जय जै भारत तो पहले तो मैं बच्चों से मिल लेती हूँ क्योंकि कल भी क्लास नहीं हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैम पहले ये बताओ कि कल की क्लास क्यों नहीं हुई थी सो गुड इवनिंग एवरीवान आयुष राज्यवर्धन ज्योति एंड यस अर्नव मानवी हमें सबका पढ़ लेती हूँ वरना फिर ये बच्चे नाराज हो जाते हैं कहते हैं मैडम मेरा नहीं पढ़ा आप लोगों ने ना ओके पुष्पेंद्र रंजीता श्रेयस ओके सभी को गुड इवनिंग एंड यस अर्नव मैंने कमेंट पढ़ लिया कि मैम कल क्यों नहीं क्लास हुई थी बेटा कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कल कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही थी हमारे स्टूडियो के अंदर तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई लेकिन आज हम लोग टाइम पर है सब लोग और क्लास को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर है तो चलो बच्चों हम लोग अपने चैप्टर को जो हम लोगों ने परसों छोड़ा था उसी को अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं साइंटिफिक डिवाइसेस या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ऐसे डिवाइसेस जो कि किसी ना किसी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है या किसी साइंटिफिक चीज़ के लिए रिसर्च के पर्पज़ से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसको आगे बढ़ाएँ उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है वो है आप लोगों का टाइम टेबल है ना क्योंकि कई बच्चों का ऐसा लगता है कि मैम टाइम टेबल चेंज होता रहता है हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये देखो बेटा तो सवा पाँच बजे जो आपकी क्लास होती है वो मेरी क्लास होती है ठीक है उसके बाद में छः बजे आपकी इंग्लिश की क्लास लेते हैं ललिता मैम उसके बाद में सबसे लास्ट क्लास होती है आपकी संजय सर की जो होती है सिक्स सो दिस इज़ योर लेटेस्ट टाइम टेबल कुछ चेंज होगा और बता देंगे आपको ठीक है गुड सो so, बच्चों लास्ट एक्चुअली में हम लोग स्केल को डिस्कस कर रहे थे और जब मैं बाकी कमेंट पढ़ रही थी तब मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम आप जो ये कह रहे हो ना कि एक तो एनिमोमीटर होता है हम लोग विंड की स्पीड को नाप लेते हैं इंटेंसिटी पता कर लेते हैं दूसरा आपने है ये यहाँ पे स्केल लगा दी थी बड़ी सारी तो फ़र्क तो पता चल गया कि एक से हम नॉर्मल विंड की स्पीड जो है उसका पता लगा सकते हैं और अगर हमें स्ट्रोम को प्रिडिक्ट करना होता है या हमें बताना होता है कि जो स्ट्रोम है तूफान है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है तो हम लोग ब्यूफोट स्केल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये तो बताओ कि ये जो आप बार बार बोल रहे हो साइक्लोन होते हैं और टोर्नीडो होते हैं इसका मतलब क्या होता है ठीक है तो मैंने सोचा कि क्लास को यहीं से शुरू करते हैं इसी नोट से शुरू करते हैं कि पहले हम लोग यही देखेंगे बच्चों कि साइक्लोन और टोर्निडो और एक और वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो हमारा क्या होता है हरिकेन तो ये हरिकेन साइक्लोन टॉर्निडो इन सब का क्या मतलब होता है तो इसलिए देखो मैंने एक पिक्चर लगी है होपफुली आपको इस पिक्चर से ही बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि टोर्नीडो क्या होता है और साइक्लोन क्या होता है गुड पहले सारे बच्चे इस पिक्चर को देखेंगे क्या ये पिक्चर हमें समझ में आ रही है और फिर आप मुझे बताओ कि इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है है ना तो ऐसे ही पढ़ेंगे मैं ये देखना चाहती हूँ आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो कितना ज्यादा अच्छा है चलो सब लोग बताओ मुझे कि दिस इज टॉर्नीडो ये वाला हमारे पास में जो पिक्चर है लेफ्ट वाला राइट वाला जो है दिस इज साइक्लोन तो इन दोनों के अंदर आपको बेसिक फर्क क्या नजर आ रहा है फिर मैं अपनी तरफ से इसको एड ऑन करूंगी चलो बच्चों शुरू हो जाओ फटाफट फटाफट फटा फटा बताओ सारे लोग क्या फर्क है इसके अंदर गुड इवनिंग कार्तिक अनन्या है ना ओके पीयूष भाविक गुड इवनिंग बच्चे सबको गुड इवनिंग हाँ हाँ उसके बारे में भी बताऊंगी वर्धन अभी रुक जाओ है ना पहले जो मैंने पूछा वो बताओ फिर मैं वो उस पर भी आऊंगी जो आप पूछ रहे हो ठीक जल्दी बताओ बेटे कि ये जो हमारे पास में टोर्डो है साइक्लोन है इसका क्या डिफरेंस है इसका डिफरेंस समझ में आएगा आपको स्केल भी समझ में आ जाएगी हम्म क्या बात है श्रेयस वेरी नाइस nice बच्चा ओ माय गॉड आदित्य राज्यूवर्धन हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ लिया आदित्य मेरे कमेंट आपका श्रेयस का आ गया आदित्य का आ गया हाँ हाँ और बाकी बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई कहाँ चले गए सब क्लास बिना ऐसे कमेंट के सब ऐसे ही रखती है बिना सुनी सुनी क्लास है ना जल्दी जल्दी बताओ बेटा दिस इज टोर्नीडो एंड दिस इज साइक्लोन और इसी से मिलता जुलता शब्द हमारे पास में एक और है हरिकेन बता दो कि क्या फर्क होता है हरिकेन में बता दूंगी आप फिलहाल दो पिक्चर जो आपके सामने है उन्हीं में फर्क बताओके नैतिक ठीक है अर्णव ठीक हम्म अरे वाह क्या बात है चलो गुड इवनिंग पुष्पेंद्र गुड वेरी गुड मानवी ठीक है तो अब एक हमारे पास में आइडिया आ गया और सारे बच्चों ने ना मुझे बहुत सही जवाब दिया है कि मैम जब हम इसको देखते हैं टोर्नीडो को देखते हैं तो ये लैंड का फिनोमिना है यानी कि ये ऐसा स्ट्रोम है जो कि लैंड पर होता है और जैसे आप ये यहां पर देख रहे हो बच्चों ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं जो लैंड की जो मिट्टी होती है वो इस तरह से उड़ती हुई नजर आती है सो दिस इज टोर्नीडो लेकिन जब हम लोग साइक्लोन की बात करते हैं बच्चा या हम लोग हरिकेन की बात करते हैं सो so ये प्योरली ओशियनिक फिनोमेना होता है ठीक है और बिल्कुल सही है जो साइक्लोन होते हैं जो हरिकेंस होते हैं उनको हम सैटेलाइट से देख सकते हैं यानी कि स्पेस से हम उनको देख सकते हैं उनकी फोरकास्टिंग हो सकती है कई दिनों पहले जो न्यूज़ चैनल वगैरह है वो इसकी फ़ोरकास्टिंग कर देते हैं कि कहीं आने वाला तूफान है या इस तरह का ये सब चीज़ें हमें नज़र आता है और एक और बात बताऊँ मैं मिशन मंगल के अंदर भी यही था मिशन देखी देखिए ना हम लोगों ने डिस्कस भी किया था मिशन मंगल तो मिशन मंगल के अंदर भी हम लोगों ने इस तरह का फोरकास्टिंग देखा है तो so, इससे क्या होता है मौसम खराब हो जाता है तो ये प्योरली लैंड का फिनोमेना है बेटा ठीक है और ये दोनों जो है साइक्लोन और हरिकेन जो है वो ओशन से जुड़े हैं ठीक बढ़िया हाँ बिल्कुल हाँ अरे वाह साइक्लोन को हिंदी में बवंडर बोलते हैं हम्म गुड सो एक लैंड का फिनोमेना है बच्चों और दूसरा हमारे पास में ओशन से है अब जब भी हम हरिकेन और साइक्लोन की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि इनकी पावर ज्यादा होती है और इसकी जब भी फोरकास्टिंग होती है तो हम लोग ब्यूफोर स्केल जो है उससे पता लगाते हैं लेकिन जब टॉर्नेडो की बात होती है तो यहां पर एक अलग तरह का मेजरमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं टोरो स्केल लिखो बच्चों साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्केल से इसकी जो इंटेंसिटी है उसका पता लगाया जा सकता है तीसरा फर्क टनीडो जो है वो कुछ समय के लिए होता है इसकी बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए ये नहीं रहता ऐसे नहीं है कि पंद्रह बीस दिन तक चलने वाला है ऐसा ये फिनमिनल नहीं होता है ठीक है एक दिन रहेगा या हो सकता है कुछ घंटों के अंदर ये बिल्कुल खत्म हो जाता है बट वेन इट कम्स टू हरिकेन और साइक्लोन तो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी दिन तक हो सकता है हम लोगों ने पढ़ा भी है कि तूफान आया है तूफान बहुत लंबे समय तक पर्टिकुलर किसी एरिया में रहेगा है ना तो ये क्योंकि ओशनिक फीवर ओशनिक जो मोशंस होते हैं उनकी वजह से होता है और कुछ हेलो हाय हाय दिव्यांशु <laughs> सारे बच्चे ना अब कल तक कल तक वेट नहीं कर पा रहे हैं है ना चलो आई होप बच्चों के अब आपको कोई पूछे कि बेटा आप जब पढ़ रहे हो तो आपके फर्क बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चे कि टोर्नीडो जो साइक्लोन होता है हरिकेन होता है उनके अंदर बेसिक फर्क क्या होता है तो ये बेसिक फर्क है अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में भी बात करूंगी जस्ट वेट फॉर टाइम आदित्य है ना उसके अलावा अर्णव थोड़ा सा टाइम वेट कर लो बच्चों जरूर बताऊंगी कि कल क्या होने वाला है ठीक है ओके बेटा तो अब हम लोग जो हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो है हाइड्रोस्कोप अब हाइड्रो का हमेशा मतलब क्या होता है बच्चे वॉटर रिलेटेड टू वॉटर है ना तो हाइड्रोस्कोप अब स्कोप का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिससे हम चीजों को देख सकते हैं है ना तो स्कोप स्कोपिक का मतलब होता है हमेशा देखना व्यूइंग है ना तो हाइड्रोस्कोप को हम लोग कहां इस्तेमाल करते बच्चे टू सी ऑब्जेक्ट इन अब अब देखना ही क्यों है हम लोगों को जिसके लिए हमको हाइड्रोस्कोप की जरूरत पड़े तो देखो सिंपल सिंपल सी चीजें हम जब रिसर्च करते हैं तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, जिनके ऊपर हमें वाटर का इफेक्ट देखना होता है कि अगर हम पर्टिकुलरली ये चीज वाटर के अंदर डाल देंगे है ना या ये वाटर के अंदर चली जाएगी तो इसके ऊपर क्या असर होता है पानी का तो अब उसको स्टडी करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज को पानी के अंदर रखना पड़ेगा और उसे देखने के लिए अगर हम नेके डाइस से देखें तो हमें कुछ नहीं नजर आएगा तो हम किसका उपयोग करते हैं हाइड्रोस्कोप का गुड हा अब थोड़ा सा शांति आई है और ना सारे बच्चे मैम oh, पहले बताओ कि कल क्या होने वाला है प्लीज आप बताओ ना कल क्या होगा <laughs> कल अभी कि होगा। चलो नेक्स्ट इज ऑल्टीमीटर ना ऑल्टीमीटर जो है बेटा वो एल्टीट्यूड नापने का काम करता है एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट फ्रॉम दी सी लेवल समुद्री तल जो होता है उससे कितना ऊंचा है उसे हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड और ये सब चीजें हम लोगों ने माउंटेन टेरेन के अंदर पढ़ा है मैंने आपको क्या बताया था जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है अभी लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था है ना तो ये जो मेजरमेंट है कितनी ऊंचाई पर है वो मेजर करने के लिए ऑल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है स्पेशली इन एयरप्लेन स्पेस क्राफ्ट जितने भी स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनके अंदर भी बेटा ये ऑल्टीमीटर लगा होता है जिससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर कोई भी सैटेलाइट है या स्पेस क्राफ्ट है वो कितनी ऊंचाई पर है कहां से जो सी लेवल है वहां पर गुड और ये ऑल्टीमीटर का डायग्राम है चले आगे बढ़े चलो सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मैनोमीटर दिस इज मैनोमीटर मैनोमीटर क्या करता है बच्चा जो वेपर प्रेशर होता है उसे मेजर करता है तो पहले तो इम्पोर्टेंट है अब पहले हम समझते हैं वेपर का मतलब क्या होता है और फिर उसके प्रेशर को सो so, हमने देखा है कि हम जब भी पानी को रख देते हैं कहीं पर भी है ना तो वो धीरे धीरे पानी जो है वेपराइज हो जाता है गुड उसकी वेपर बनने शुरू हो जाती है अब वो जो वेपर है पूरे के पूरे एटमोसफेयर के अंदर वो कितना प्रेशर इस पूरे एटमोसफेयर पे या इस कमरे के अंदर अर्थ के ऊपर डालती है उसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर और उसको नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का सो ये बिल्कुल थर्मामीटर जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है और ये हमें क्या बताता है वेपर किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का वाटर भी हो सकता है तो उसका वेपर प्रेशर कितना है यह हमें बताएगा ठीक है हम्म क्या बात है और इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं स्टीम इंजन के अंदर बिल्कुल सही जवाब है क्या बात है अर्ना वेरी नाइस हम्म और स्टीम इंजन के अलावा भी बच्चे जब भी हम किसी दूसरे केमिकल की वेपराइजेशन की बात करते हैं तो उसकी वेपर पर्टिकुलर जगह पे कितने प्रेशर से बनती है उसके लिए भी मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट इज लैक्टोमीटर अब लैक्टोमीटर बहुत ईजी है ये प्योरिटी ऑफ मिल्क बताता है And actually हमें ये कहना चाहिए कि ये जो हमारे पास में मिल्क है इसकी प्योरिटी की जगह हम लोग फ्रेशनेस ले लेते हैं ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा गुड अब देखो बच्चे जब भी मिल्क की हम लोग बात करते हैं तो मिल्क के अंदर एक शुगर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। क्या होती है लैक्टोज शुगर होती है अब आप बोलोगे मैम शुगर होती है तो फिर दूध मीठा क्यों नहीं लगता हमें क्यों उसके अंदर चीनी डालनी पड़ती है क्योंकि ये लीस्ट स्वीटर शुगर है इसका पता नहीं चलता है हम लोगों को ठीक अब जब दूध है जब वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है हम ऐसे बोलते हैं खराब हो जाता है, है ना तो दूध के अंदर क्या बनने लगता है लैक्टिक एसिड क्या बनेगा बच्चे लैक्टिक एसिड और जब लैक्टिक एसिड बनता है तब हम बोलते हैं कि ये जो मिल्क है ये फ्रेश नहीं है ये खराब हो गया है आम भाषा में हम ऐसे बोलते हैं ये दूध जो है वो फट गया है तो क्या होता है लैक्टिक एसिड बनता है अब आपको मैंने मान लो कोई दूध का सैंपल दे दिया और आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर लैक्टिक एसिड कितनी है तो आप क्या करोगे लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करोगे और अगर लैक्टिक एसिड कम है दैट मीन्स दूध फ्रेश है और लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा है दैट मीन्स दूध क्या है फ्रेश नहीं है बहुत दिन पुराना है कभी भी खराब हो सकता है तो प्योरिटी एंड फ्रेशनेस की जब भी बात आती है मिल्क के तो हम इस्तेमाल किसका करते हैं बच्चे लैक्टोमीटर का ऑल गुड हम्म हाँ, वापस बता देती जो मानवी कोई बात नहीं बच्चे देखो जब भी हम पानी की अभी सिंपल पानी की बात करते हैं पानी को अगर आप रख देते हो किसी बाउल के अंदर तो पानी धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है उड़ जाता है वेपर बन जाती है उसकी है ना और अगर हम ऐसा बोलते हैं कि पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो भी वेपर बनती है सो so ये जो वेपर बन रही है वो कितना प्रेशर इंपार्ट करती है हम उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर अभी ठीक है अभी हो गया बच्चा करेक्ट बिल्कुल फ्रेशनेस बिल्कुल फ्रेशनेस चेक करते मिल्क की लैक्टोमीटर से चलो नाउ नेक्स्ट इज ऑडियोमीटर ये ऑडियोमीटर है हमारे पास में ऑडियोमीटर मीटर का मतलब किसी ना किसी चीज को मेजर करना है ऑडियो का मतलब क्या होता है बच्चा साउंड तो साउंड की इंटेंसिटी कितना तेज है कितना धीरे है उसे कौन मेजर करता है ऑडियो मीटर अब यहां पर एक चीज और ऐड करोगे बच्चे हियरिंग कैपेसिटी कोई भी पर्सन कितना सुन सकता है कितनी इंटेंसिटी की साउंड को सेंस कर सकता है उसके लिए भी ऑडियो मीटर का इस्तेमाल किया जाता है तो कई बार जब आप बुक्स में पढ़ते हो तो आपको यहां पर कहीं पर नजर आता है कि ऑडियोमीटर जो इंटेंसिटी को नापता है लेकिन कई जगह आपको यह भी मिलेगा कि जो हियरिंग कैपेसिटी होती है या हमारी हियरिंग का जो फंक्शन है कितना अप्रोप्रिएट है उसको नापने का काम भी ऑडियोमीटर ही करेगा तो दोनों चीजें आप लोग साथ, -साथ लिखोगे ठीक बिल्कुल जैसे कोई ऑर्डिनरी मीटर है थर्मोमीटर कैसे काम करता है बेटा थर्मोमीटर मैंने क्या बताया था कि हमारी बॉडी से हम लोग टच करते हैं है ना तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो सेंस कर लेता है हाइग्रोमीटर बताया मैंने आपको है ना तो हाइग्रोमीटर क्या करेगा जितना भी मॉइस्चर होगा या हम ऐसे बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी इस रूम की अपने आप मेजर कर लेगा अभी यहाँ मैं रूम थर्मामीटर लगा दू मैं तो इस रूम का टेम्परेचर कितना है वो थर्मामीटर मेरे को बता देगा जस्ट लाइक डैट मैनोमीटर भी ऐसे ही काम करता है ठीक है ओके okay, श्रेयास गुड आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट इज फैथोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है ये जो ओशंस होते हैं उनकी डेप्थ को मेजर करने का काम करते हैं कोई भी समुद्र है है ना उसकी गहराई कितनी है सबकी गहराई एक जैसी तो हो नहीं सकते हमको पता है बहुत ज्यादा गहरे होते हैं पर कितने गहरे हैं तो वो गहराई कैसे पता चलेगी बच्चे इस फैथोमीटर से देखो यहाँ पे आपको स्केल भी नज़र आ रही है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी है ना सो so ये स्केल आपको ये बताएगी कि कोई भी समुद्र जो है ओशन जो है वो कितना गहरा है ठीक चलो आगे बढ़े हाँ जी अब कहाँ गए वो प्यारे प्यारे बच्चे जो मतलब इतने एक्साइटेड हैं कि आज हम लोग पढ़ना लिखना सब भूल गए मैम पहले आप मुझे बताओ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब होगी देखो बच्चों ये है पेरेंट्स टीचर मीटिंग ठीक है क्या है मैं समझाती हूँ आपको जो आप प्यारे प्यारे बच्चे हो वैसे तो आप हमसे खूब बातें करते हो है ना खूब सारे डाउट भी पूछते हो डाउट बॉक्स में भी डाल देते हो लेकिन कभी कभी ऐसी कोई चीज़ होती है जो आपके पेरेंट्स भी हमसे करना चाहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से या जो मैम हैं उनसे किसी भी टेक्निकल एरर को लेकर कोर्स को लेकर क्वेश्चन को लेकर कुछ भी क्वेरीज आपकी हो सकती है तो जैसे अपने स्कूल में होती है एक पीटीएम वैसे ही शौर्य भारत आप लोगों के लेकर आया है एक पीटीएम जिसके अंदर वनीता मैम होंगे ठीक है जो डायरेक्टर है शौर्य भारत के वो आपके पेरेंट्स से आप बच्चों से बात करेंगे पूछेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है कोई परेशानी तो नहीं है है ना उसके बाद में जो एकेडमिक मैनेजर हैं मेगा मैम काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है मेगा मैम से बात कर चुके हैं जानते भी होंगे और फैकल्टी को तो आप सब जानते हो ललिता मैम है संजय सर है और वो प्यारी प्यारी आपकी मैम मैं है है ना तो हम क्या करेंगे कैमरे पर नहीं अब जूम पर आपसे और आपके पेरेंट्स से बात करेंगे जानेंगे कि आपको जो हम पढ़ाते हैं वो कैसा लगता है आपको हमारी टीचिंग के अंदर मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है कोई डाउट तो नहीं है किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज़ कोई भी इशू जो आपकी पढ़ाई कोर्स से रिलेटेड है आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है बेटा उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे सो टाइम नोट करो कब पाँच बजे यानी जब हमारी क्लास होती है तब आपकी ये मीटिंग शुरू होगी कल टेंथ ऑफ जुलाई ठीक है और पांच से छह बजे तक एक घंटा आपके पास में बहुत सारा टाइम है ठीक है बिल्कुल इट इज जस्ट लाइक योर स्कूल स्कूल में जाते हैं हम लोग टीचर से मिलते हैं सब्जेक्ट टीचर से मिलते हैं प्रिंसिपल से भी मिलते हैं तो बिल्कुल वैसे है अब देखो बेटा आपको इसके लिए क्या करना है ये मीटिंग होगी जूम पर तो जूम ऐप डाउनलोड करनी है ठीक है उसके अलावा ये मीटिंग आईडी है जल्दी से नोट करो सारे बच्चे और वैसे ललिता मैम ने आपको बताया है संजय सर भी आपको आके बताएंगे बट फिर भी ये मीटिंग आईडी है बेटा एंड दिस इज पासपोर्ट सो पासपोर्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सब लोग नोट कर लो हां जूम एज हाँ जूम एज ऐप हाँ, जरूरी है बच्चा अरे मानवी कल क्लास क्या कल मतलब आप हमसे वन ऑन वन इंटरेक्ट करोगे ना मैं भी तो देखूँ ये प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझे इतने सारे सवाल पूछते हैं है ना वो कैसे दिखते हैं तो कल सब मैं सब बच्चों की शक्ल देख लूंगी आप तो मुझे रोज देखते हो कि आपको पता है ज्योति मैम कैसी दिखती हैं है ना अब मैं भी देखूं मानवी कैसी दिखती है उसके अलावा श्रेयस कैसा दिखता है राज्यवर्धन जी जो है वो कैसे दिखते हैं अनन्या कैसे दिखते हैं तो मुझे भी तो देखना है ना प्यारे प्यारे बच्चों को जिनको मैं पढ़ा रही हूँ मुझे भी तो उनसे मिलना है तो इसलिए हम लोगों ने ये जूम मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करी है गुड अब किसी को कोई डाउट ओके प्लीज लाइट द मीटिंग आईडी। मीटिंग आईडी नहीं देख पा रहे हो बच्चे ठीक है मैं लिख देती हूँ यहाँ ऊपर लिख देती हूँ फाइन इट्स नाइन ओके ब्लैक से लिखती हूँ सो इट्स नाइन फाइव जीरो नाइन फाइव नाइन ठीक है फाइव जीरो नाइन सिक्स अभी ठीक है और कोड यहां लिख देती हूँ बच्चे में थ्री टू फोर टू फाइव एंड लास्ट नंबर इज ओके ये देखो पास पास कोड कोड भी मैंने मैंने इसलिए लिख दिया है पास लिखा है लिखा हाँ हाँ बता रही बेटा डिजिट बताती हूं। जी सर जी बच्चों को पास कोड और ये सब दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि नीचे झुबा हुआ है कोड का डिजिट बताओ बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे हुआ नहीं क्लिक क्लिक करो हाँ आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो पूरा पूरा बड़ा हो जाएगा हाँ ऊपर कर दो इसको लो बच्चों देखो सर ने तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया अब देखो कब है मीटिंग कल है मीटिंग हाँ अरे टुमारो आई विल टेक योर पीटीएम ना तो क्लास की क्या जरूरत है ये देखो अब सारे बच्चे लिख लो आईडी भी लिखो और पासकोड भी लिख लो ठीक है फाइव पी एम टू सिक्स पी एम और ऊपर कर दे, ये देख लो भाई ये जूम वेरी गुड और जूम नहीं है तो जूम आपको डाउनलोड करना है और कुछ नहीं करना है सिंपल सिंपल है ठीक है अभी हो गया हाँ दिस इज थ्री टू फोर टू फाइव टू अभी तो नंबर दिख रहा है बड़ा बड़ा ओके okay. चलो अब वापस अपनी क्लास की तरफ चलते हैं चलो ओके थैंक यू सर चलिए अब आगे बढ़े क्लास को आगे बढ़ा बच्चे चलो तो अब हम लोग देखते हैं ना ऑडियो मीटर हम लोगों ने देख लिया नाउ वी हैव ऑडियो फोन सो ऑडियो फोन ये एक डिवाइस है बेटा जो एक हियरिंग एड की तरह काम करता है जो लोग डेफ होते हैं और डेफ भी नहीं जिनकी हियरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है वो काफ़ी सारी चीजों को या बहुत लो इंटेंसिटी का जो साउंड होता है उसको सेंस नहीं कर पाते सुन नहीं पाते तो इसके लिए उनके कान में ये जो ऑडियो फोन है लगाया जाता है और इससे क्या होता है बहुत लो फ्रिक्वेंसी का जो साउंड होता है वो भी उनके कान के अंदर जाता है और वो उस आवाज को सुन पाते हैं ठीक है हम्म दीपक क्लासेस सारी होंगी दीपक जो फर्स्ट क्लास है ना आपकी प्यारी ज्योति मैम की उस क्लास में ज्योति मैम आपके साथ में पीटीएम में एकदम वन ऑन वन बैठी होंगी ठीक तो मैं सब कल सबके फेसेस देखूंगी कौन कौन बच्चा है कौन कौन प्यारे प्यारे बच्चे हैं ठीक है येस yes, ऑफकोर्स तो आदित्य जब मैं कह रही हूं बच्चा कि इसको ओशन जो है उसकी डेप नापते हैं सो so, ओशन की डेप ऊपर से तो कैसे नापेंगे ना गुड अब सारे बच्चे पहले मुझे ही बताओगे कल की जूम मीटिंग को लेकर सब एक्साइटेड हो प्रिपेयर ना ठीक है तो मामा पापा से कहना कि कोई भी इशू हो बेटा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा कोई सब्जेक्ट में तो आप बहुत आराम से हमसे बात कर सकते हो इसीलिए जूम मीटिंग जो है हम लोगों ने रखी ठीक है ओके okay. हाँ सब लोग जूम से तो बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे चलो बच्चे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैलोरी मीटर ठीक है अब देखो कैलोरी मीटर है तो ये क्या करेगा कैलोरी जो है उसको मेजर करता है जो हीट है वो कितनी निकल रही है उसको मेजर करता है गुड आगे बढ़ते हैं नाउ दिस क्रोनोमीटर और बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार मैंने देखा है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं सो क्रोनोमीटर क्या करता है बच्चे फाइंडिंग द राइट टाइम इन दिस और ये क्रोनोमीटर है इसको अच्छी तरह से बैठा लेना हम लोगों को। सो दिस इज क्रोनोमीटर देखो जब हम शिप में होते हैं ना, so होते है ना सो जो नेवल पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है accurate time का पता लगाना गुड और ऐसा क्यों होता है क्योंकि टाइम जोन अलग अलग होते हैं गुड आप लोगों को पता होगा कि हमारा टाइम जोन और जो लंदन है वहां का टाइम जोन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का टाइम जोन है वो बिल्कुल अलग अलग है सो so जो शिप में होते हैं उनको एक्यूरेट टाइम पता लगाना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं ये क्रोनोग्राफ क्रोनोमीटर का ठीक है तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और मैंने देखा है कई बार इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि अगर आप शिप के अंदर है और आपकी वॉच काम नहीं कर रही ये क्वेश्चन है ऐसे ही पूछा गया है अगर आप शिप के अंदर है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि तो आपका टाइम क्या हो रहा है तो आप वहां पर टाइम को कैसे देखोगे सो दिस इज क्रोनोमीटर गुड सो नेक्स्ट वी हैव कंपास। अब कंपास का कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन हमारे पास में कन्फ्यूजन इतने सारे होते हैं इतने सारे कंफ्यूजन क्या कंफ्यूजन है बच्चे सो द नॉलेज ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट पर्टिकुलर लोकेशन यही से हमारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है हमको लगता है कंपास है कहीं पे भी जाएंगे कंपास खोलेंगे और पता चल जाएगा ये डायरेक्शन नो अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो सो so इस लोकेशन का नॉर्थ साउथ बताएगा आपको एंड अगर आप किसी दूसरी लोकेशन पे चले गए सो so उस लोकेशन का नॉर्थ साउथ बताएगा ठीक है जो हमेशा चेंज होता रहता है अगर आप ऊपर चले गए नॉर्थ साउथ विल बी डिफरेंट सो किसी गिवन एरिया का अगर हमको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन देखना होता है तो किसका उपयोग करते हैं कंपस का अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन भी ले लेते हैं बच्चे सो क्वेश्चन इज कि आप जंगल से जा रहे हो है ना कैंपिंग वगैरह कर रहे हो खूब अच्छी सी पिकनिक हो रही है और आप सडनली खो जाते हो आपको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है तो आप रास्ता ढूंढने के लिए किसका उपयोग करोगे कंपास का ठीक है हाँ जी हाँ बताइए जी हाँ हाँ आई एम आई एम जस्ट सींग योर चैट है ना अभी पहले चैट देख लेते हैं भाई हाँ क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे ओके सो ऑडियो फोन के बारे में है हम्म हाँ इंग्लिश और मैथ्स की क्लास होगी भावेक बिल्कुल होगी अर्णव कह रहा है कि मेरे फ्रेंड के मैंने ऑडियो फोन जो है वो देखा है उसके कान में लगा हुआ है हियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए वेरी गुड बच्चा देन उसके बाद में हाँ जी क्या कहना चाहते हैं बाकी के बच्चे ओके okay. hmm. आदित्य ऐसा हम पॉइंट रख सकते हैं है ना कि टाइम टेबल बनाए बिल्कुल वेरी नाइस बिल्कुल हम देखते हैं ना उसके बाद में यस हाँ मानवी आपकी चैट तो मैं देख रही हूँ पर आप कहना क्या चाह रहे हो बच्चा खाली नॉर्थ और साउथ बताता है नहीं बताता है हां जी नॉर्थ एंड साउथ अरे बच्चे एक और एक डायरेक्शन हमको मिल जाएगा बाकी डायरेक्शन तो हम लोग निकाल सकते हैं ना हाँ यस यू हैव कंपास मानवी का तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा मैसेज कहा कितना मैसेज करता है हाँ ओके यू हैव कंपास मैम मीटिंग है पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैम होंगे यानी वनीता मैम होंगे जो डायरेक्टर है है ना तो लाइक आप इसे लगा लो प्रिंसिपल होते हैं तो वो प्रिंसिपल है और हम आपके प्यारे प्यारे टीचर हैं तो प्रिंसिपल मैम भी होंगी हम टीचर्स भी होंगे मैं ललिता मैम संजय सर है ना और उसके अलावा जो एकेडमिक मैनेजर हैं मेघा मैम वो भी होंगी सब मिलकर क्लास लेंगे ठीक है आदित्य क्रोमेटोग्राफी बेटा थोड़ा सा हायर क्लास का है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपने पूछा है ये एक ऐसी टेक्निक है बच्चे जिससे कि मिक्सचर जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल चीज़ों में बता देती हूँ आपको यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर की इंक ले ली और उसको रेड कलर के इंक के साथ में मिक्स कर दिया अब इन दोनों इंक को अगर मुझे सेपरेट करना है तो क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे Hmm. तभी तो मैं बोल रही हूँ कैंप में जाते रहते हो तुम लोग चलो अब लास्ट स्लाइड देखते हैं आज की क्लास की है ना नाउ सो वी हैव माइक्रोफोन हम लोग इसको माइक के नाम से भी जानते हैं ना देखते हैं माइक हम लोगों ने भी लगा रखा है तो दिस कन्वर्टिंग साउंड वेव इन टू द इलेक्ट्रिकल वेवस ये है आपकी मैडम ने भी माइक लगा रखा है ताकि दूर दूर तक आप तक आवाज जो है मैम की वो पहुंच जाए तो हमको पता है माइक्रोफोन का क्या काम होता है साउंड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है है ना नाउ दिस इज ओडोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे काफी बार सवाल पूछा गया है क्रोनोमीटर से ओडोमीटर से काफी सवाल आते हैं सो दिस इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑटोमोबाइल देखो ये हम लोगों ने अपनी कार के अंदर देखा होता है है ना कार के अंदर होता है तो जो ऑटोमोबाइल होता है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके गया है वो हमें कौन बताता है ये ओडोमीटर सो दिस इज ओडोमीटर दिख रहा है आपको नीचे अब यहां पर देखो अलग अलग स्केल्स हैं सो दिस इज स्पीड वाला एंड यहां पर नीचे हमारे पास में एक और स्केल है तो जब भी हम लोग कार में बैठते हैं तो कार में बैठोगे ना आपकी बार नेक्स्ट बार तो उसको देखना कि ये स्पीड वाला है इससे पता चलता है कि अभी हमारी कार कौन सी स्पीड पे चल रही है उसके बाद में कितना दूरी पे हम लोग आ गए हैं घर से निकले स्कूल पहुंचे कहीं और खेलने के लिए चले गए तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो हमको कौन बता देता है ये ओडोमीटर ठीक है गुड चलो एक स्लाइड और देख लेते हैं हम लोग है ना अब ओडोमीटर के साथ में जैसे मैंने आपको बताया द नेक्स्ट ऑप इज स्पीडोमीटर आप स्कूटर चला रहे हो है ना साइकिल पे नहीं होता उसके अलावा सब पे होता है सो so, स्कूटर चला रहे हो स्कूटी चला रहे हो कार चला रहे हो बाइक चला रहे हो तो कितनी स्पीड पे चलाते हो, है ना? वो स्पीड हमको किससे पता चलती है इससे और ये है एम पी एच माइल्स पर आर एक घंटे में कितना माइल हम लोग स्पीड पे जाएंगे तो कितना माइल कवर होगा वो हमें ये बता देता है सो इफ यू आर ए फोर्टी है ना फॉर एग्जाम्पल So, आप एक घंटे में 40 माइल्स को कवर करोगे ये आपकी स्पीड बता रहा है सो दिस इज स्पीडोमीटर नाउ नेक्स्ट इज पेरिस्कोप अनादर इंपॉर्टेंट दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन सब सिर्फ पंडुबियां जितनी भी होती है वहां पर इस्तेमाल होता है टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ शिप और ये पेरिस्कोप है तो आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी हो है ना जहाँ पर आप लोगों ने सबमरीन देखी हो तो वहाँ पे देखना कि एक आदमी हमेशा इस पेरिस्कोप से आसपास में नजर रखता है किस तरह का मूवमेंट हो रहा है तो वो मूवमेंट जो है उसको ट्रेस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं पेरिस्कोप का गुड सो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इतने ज़्यादा हैं कि उनको एक क्लास के अंदर हम लोग नहीं पढ़ सकते नहीं ख़त्म कर सकते क्योंकि हमें डिस्कशन भी करना है ताकि आपको एक बार में सारी चीज़ें याद भी हो जाएं। तो हम क्या करेंगे अब आपसे कल मिलेंगे लेकिन क्लास के लिए नहीं उस ज़ूम मीटिंग के लिए जिसके लिए आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बाकी लोग टीचर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो कल सब हम प्यारे प्यारे बच्चों से पाँच बजे ज़ूम मीटिंग के लिए मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो आप लोगों से कल मिलते हैं बाय एवरीवन।